खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो आप देखें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि एक इमेज से हम DWG फाइल कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब भाइयों से, दोस्तों से इल्तमास करता हूँ कि आप मेरा चैनल फयाज डिज़ाइन स्टूडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये एक आइकन मैंने ट्विटर का आइकन उठाया है, इसको क्योंकि ये सिंपल होता है, जल्दी से ट्रेस हो जाएगा और मैं एक शॉर्ट टाइम में आपको एक अच्छी कमांड सिखा सकूंगा, ठीक है, एक अच्छा मेथड जो है वो सिखा सकूंगा। सबसे पहले हमने पॉली लाइन लेनी है, PL, ठीक है, पॉली लाइन लेनी है और एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करना है। हमने ये पॉइंट ले लिया और ए इंटर कर देंगे। तो बेसिकली हम ऑर्ग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा हम पॉली लाइन से करें तो बाद में हमें जो ऑर्ग से इनको अपनी जगह पे लाना पड़ेगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है लेकिन इतना भी लंबा नहीं है। बस हमने एंड पॉइंट्स पे जाके क्लिक करते रहना है और इसके एंड पॉइंट्स लेते रहना, ठीक है, ये फिर यहाँ पे करेंगे, फिर इस एंड पॉइंट पे करेंगे और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस पे। ये सिंपल मेथड है, बहुत सी इजी, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पे इंटर कर देंगे, कमांड ख़त्म हो गई हमारी, ठीक है। ये हम यहाँ से ड्रैग करके हम उसकी जो पॉइंट है वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, जिस के रेफरेंस से हमने ये आर्क लगाई है। ये जो पॉइंट है ना इसका, हमने यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ ले आना है, इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ ले आना है और इसको यहाँ से यहाँ ले आना, इसको ये यहाँ से यहाँ। जल्दी से करूँ चूँकि आपका भी टाइम बचे और आप कुछ सीख भी लें, ठीक है, ये और इसको उठा के मैं यहाँ दे, और ये देख सकते हैं कि हमारा ये एक और हमारी रह गई है, इसको हम ये कर दिए। तो ये इस तरह से कॉपी करके यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया और ये देख सकते हैं हमारी जो है ट्विटर का आइकन तैयार हो गया।